स्टार टीवी के मुहज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन काशिफ अनवर नामी शख्स पर अपनी आमला बीवी फौजिया जावेद और इनके नौजीदा बच्चे के मुबीना कत्ल का मुकदमा चल रहा है। इस तखासा का इल्ज़ाम है कि काशिफ अनवर ने सितंबर 2021 में फौजिया जावेद को एडनबरा में आर्थर सीट पर एक पहाड़ी से नीचे धकेल दिया था, जिसकी वजह से इसकी मौत वाकया हो गई थी। नाज़रीन मुकदमे की समाअत के आगाज़ पर एक मुतफिका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की गई है। 2020 में शादी करने वाले जोड़े ने मुबीना वाकया पेश आने से पहले 4 रातों के क्याम के लिए एक होटल में चेक किया था। काशिफ अनवर ने कत्ल और नौजीदा बच्चे की मौत का सबब बनने के दोनों इल्ज़ाम से इनकार किया है। नाज़रीन लेकिन इस तखासा की दलील है कि मुबीना हमला फौजिया जावेद के साथ बदसलूकी के दीगर वाकयात की वजह से हुआ था। इस तखासा फौजिया जावेद की मौत से कबल अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 के दरमियान लीड्स और इंग्लैंड में दीगर मकाम पर होने वाले मुबीना वाकयात के सबूत पेश करने का इरादा रखता है। नाज़रीन जहाँ काशिफ अनवर पर इस तखासा फौजिया जावेद को गाली देने, इसे ख़ानदान और दोस्तों से अलग थलग करने, इसकी नकल व हरकत को कंट्रोल करने और इसे धमकियाँ देने का इल्ज़ाम भी है। इस तखासा का ये भी इल्ज़ाम है कि अगस्त 2021 में काशिफ अनवर ने फौजिया जावेद को बार बार फ़ोन किया, चीखा और कस्में खाई और पुलिस से रब्ता करने पर तशद्दुद की धमकी दी। मजीद शवाहिद में मार्च 2021 का एक मुबीना वाकया भी शामिल है, जहां काशिफ अनवर पर फौजिया जावेद के चेहरे पर तकिया रखने, इसके सर पर बार बार मारने और इसे गिराने और बेहोश करने का इल्ज़ाम है। नाज़रीन इस तखासा इसकी मौत से पहले के मुबीना वाकयात के सबूत पेश करने का भी इरादा रखता है। नाज़रीन इस खबर के वाले से आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।